बड़े बूढ़े भी बोलते आए हैं, हमें भी यही समझ है कि एक राम दशरथ जी का जाया और एक राम जो सभी में समाया, उनका कोई आकार नहीं है, जैसे वायु का कोई आकार नहीं है, पानी है उसका कोई रंग नहीं है, ऐसे ही मेरे भगवान राम जो सभी मरमाए हुए हैं, वो उनके तो बात ही अलग है, क्योंकि उस भगवान को हम याद करते रहेंगे, याद करेंगे, उसका हम गुणगान करेंगे। वो कोई पूजा किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है, कोई मन से करता है, कोई तन से करता है, हम जैसे दीवा जोत बत्ती सब चीज़ें करते हैं, और भगवान साक्षात जैसे श्री रामचंद्र जी आए थे, अवतार लेकर के आए थे, वो भगवान वहाँ से अपने अवतार ले देकर भेजता है सृष्टि में कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि जब हमारे यहाँ ज़्यादा कोई पाप बढ़ जाता है या ज़्यादा कोई दुष्ट आत्माएं हो जाती हैं, हैं तो उनका श्रृंगार करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। और ऐसे ही ये कोई चाहे कोई भी हो, सभी में राम का ही नाम है, घट घट में समाया हुआ है वो, हमें उनका उसका ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और उसी से हमारा बेड़ा पार होगा, क्योंकि मुक्ति तो भगवान हमें दे सकते हैं। और जो ये अवतार लेकर के भगवान आते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही मतलब हमारे अच्छा करने, अच्छे कर्म करने के लिए आते हैं, दुष्टों का श्रृंगार करने के लिए आते हैं, हमें इनकी भी पूजा करनी चाहिए। और राम का नाम तो दशरथ जी के पुत्र रामचंद्र जी से पहले से ही है, किसी को कोई गिला शिकवा भी नहीं होना चाहिए, राम सभी का है, सभी में रमाया हुआ है, उसका हमें ध्यान करना चाहिए। जितना भी हम राम का ध्यान करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा संसार में, संसार का मोह माया छोड़ करके हमारे को इस उम्र में जो आदमी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं उनको भगवान में रम जाना चाहिए, मेरी तो यही सोच है। और जिम्मेदारियां ऐसी बात नहीं, हमने भी खूब जिम्मेदारी निभाई हैं, अपना बच्चे बच्चों का भी पालन पोषण किया है, सब कुछ किया है, लेकिन ये हमारी मर्जी नहीं है, ये उस भगवान की मर्जी है कि वो आज हमें बैठा बैठा ये सोच रहा है, उनकी ये सोच है कि ये मेरे भगत मेरी तरफ आएं, ये हम कुछ इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो भगवान की ही कुछ देन होती है। किसी पर इतना खुश हो जाते हैं कि अपने ही रंग में रंग लेते हैं, हम कुछ भी भगत नहीं हैं, हम तो इतने इतने भगत हैं जो कि पता नहीं कितना। और एक भाई कह रहे थे कि मैंने सब कुछ कर लिया है कि कुछ भी मेरे मैंने सब कुछ करके देख लिया है, सब कुछ भगवान का नाम जब कर लेता हूँ सब कुछ कर लेता हूँ। और वो थोड़ा सा निराशा सी महसूस हुई मेरे को, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चलते चलो, भगवान का नाम लेते चलो, स्मरण करते चलो, भजन करते चलो, वो भगवान किसी को भी कोई धोखा नहीं देते, भगवान तो सबकी सुनते हैं, उनको हमारा सब पता होता है, सामाजिक चीज़ें होती हैं, लेकिन भगवान का नाम भगवान का ही नाम होता है, वो हमें कभी भी हारने नहीं देगा, अगर हम उसकी सच्ची भक्ति करेंगे, सच्चा नाम लेंगे उनका, और भगवान घट घट में सबके अंदर समाया हुआ है, हमारी आत्मा में ही परमात्मा है। कई बार हम अच्छा करते करते भी कष्ट पाते हैं, आप ये मत सोचिए उससे हमारे कष्ट कटते हैं, उससे हमारे कष्ट कटते हैं, आप ये सोचियो कि मेरा कष्ट कटने लग रहा है। और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूँगी, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा,
भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान में अपनी जिम्मेदारी पूरी करके देखो, हमारी जो उम्र हो चुकी है वो तो भगवान के नाम पे ही है अब। बस मेरा तो यही है, मैं कोई भगतनी नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से थोड़ा सा उसकी तरफ मेरा ध्यान हो रखा है। और मैं आप सभी को, मेरी यही निवेदन है कि मैं आप सभी से एक समान प्रेम करती हूँ, किसी से मेरा कोई द्वेष नहीं होता। बस जय श्री राम।